नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। चौक थाना अंतर्गत कबीर चौरा स्थित बड़ी पियरी पिपलानी कटरा के समीप छोटेलाल यादव का लगे रोड मकान था, जिसे विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध बताकर ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। ये 80 साल पुरानी हमारी कई दुकानी, जहाँ दादाजी चाय और मलाई की दुकानी किया करते थे। ये जंक्शन हो गई थी, इसको हम लोगों ने बनवा दिया। 300 स्क्वायर की दुकान है और डीडीए का दस्ता पास का 1000 स्क्वायर की तैयारी हो चुकी है। हम लोग डीडीए में गए, मेरे साथ गलती हो गया, 300 स्क्वायर की चाय आपके तामान को जमा करिए, ये तामान दीजिए और हमारे दोस्ती का आदेश जारी कर दिए। हम लोग कई जगह दौड़े, कलेक्टर साहब के आगे यहाँ वहाँ गए, हम लोग की बात सुनी गई और आज हमारे आकर दुकान छोड़ दिया गया। कल रात को 12 बजे हमारे घर में 10 लोगों के खिलाफ एक इंचार्ज नोटिस बाहर मस्जिद का खेल भेजेंगे और इसमें कौन कौन करवा रहा है ये जानकारी है। भारत जनता पार्टी के एक 57 मंत्री हैं और एक और नेता हैं, जो लोग ये धरती का आदेश कराए। अधिकारियों ने मुझे अंदर से बताया कि सर आपका अवैध नहीं है, इन्हें आप समाजवादी पार्टी में राजित करते हैं, क्योंकि आपका दुकान टूटेगा, ये उनका ऊपर से आदेश है, हमारे को दबाव है। तो अब तो टूट गया, अब देखा जाएगा, पहले टूट गया। हमारी जो पीढ़ी की दुकान थी, हम 50 परिवार एक ही में रहते हैं और हमारे चाचा यहाँ चाय बेचते थे, आज टूट गया है। अब देखते हैं इसके टूटने के बाद जो होगा। पर किसके नाम से ये संपत्ति है? ये हमारे चाचा है छोटेलाल यादव, उनके नाम से थी और उनकी कोई नहीं है, बस एक चाय की मामी दुकान थी। लेकिन कहा जाता है कि इसमें कुआं मंदिर वगैरह है। कुआं मंदिर है तो उसका कागज है, बताते हमारे चाचा के नाम जी काली पट्टा है, रजिस्ट्री का कागज है, नगर निगम से दाखिल खारिज है, पीला कागज है। तो आप कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। अपना पर्चे बताएं।
मिश्रा जोनल अधिकारी मीडिया। यहाँ तो किस तरह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या मामला है? ये अवैध निर्माण रोड वाइडनिंग एरिया में किया गया है, जिसका नक्शा भी स्वीकृत नहीं हो सकता, उसको गिराया जा रहा है। तो किसके आदेश से ये कार्रवाई चल रही है? ये धरतीकरण आदेश इस पे पारित है, इसके विरुद्ध पक्ष हाईकोर्ट में गया था, जहाँ से उसको कोई रिलीफ नहीं। तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये तो क्या इनके नाम FIR वगैरह भी दर्ज किया जाएगा? आगे की कार्रवाई नियमानुसार करेंगे।